ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने लखनऊ में अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में प्रदेश भर के कोटेदारों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वहीं सम्मेलन के आयोजक और एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के 80,000 राशन डीलर्स के बेहतर कार्य से उत्तर प्रदेश खाद्यान्न वितरण में देश के अन्य राज्यों से सबसे आगे है। फिर भी प्रदेश सरकार हमारी माली हालत को दुरुस्त करने के प्रति कोई कदम नहीं उठा रही है। जहां प्रदेश के पड़ोस के राज्यों जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जैसे गुजरात, गोवा, तमिलनाडु और दिल्ली की प्रादेशिक सरकारों ने वहां के राशन डीलर्स के लिए बेहतर कमीशन 200 से 1200 तक देने के साथ ही कई राज्यों में राशन डीलर्स को बेहतर मानदेय दिया जा रहा है, परंतु उत्तर प्रदेश के राशन डीलरों को उनके बेहतर कार्यों के बावजूद मामूली सी रकम कमीशन के रूप में दी जाती है। हमारी सरकार से मांग है कि प्रदेश के राशन डीलर्स को 300 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन, 50,000 रुपए मानदेय दिया जाए, कोटेदारों के सभी बकाया राशियों का भुगतान शीघ्र कराया जाए, साथ ही स्वयं सहायता समूह के दुकानों पर राशन वितरण करने वाले नामित दुकानदार के कमीशन का भुगतान उनके खातों में किया जाए। सर, आज का जो कार्यक्रम में क्या है और किस लिए की जा रही है? हम लोगों का आज वार्षिक सम्मेलन है हमारे संगठन का। उत्तर प्रदेश के हमारे सिर्फ पदाधिकारी गण आए हैं और इसमें हमने मंत्री को आमंत्रित किया है, माननीय उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी को, संजय निषाद जी को और सबको आमंत्रित किया, सबने सहमति दिया है। अभी तक पूर्व जिला अधिकारी दिनेश सिंह जी आए हैं, रिटायर्ड हैं, कमिश्नर रहे हैं और सब भी आ रहे हैं, प्रोटोकॉल उनका मिला आ रहे हैं। हम लोगों की मांग यह है कि जैसे कोरोना काल जैसे बीमारी में कोई व्यक्ति किसी को छूता नहीं था, हम लोग अंगूठा पकड़ पकड़ के ई पास मशीन के माध्यम से 100% वितरण किए। उत्तर प्रदेश में किसी को भूखा मरने हम लोगों ने नहीं दिया, लेकिन हम लोग भूखे मर रहे हैं जहां डबल इंजन की सरकार है। 200 रुपया कुंटल गोवा में दिया जा रहा है, 200 रुपया कुंटल हरियाणा में दिया जा रहा है, 20,000 रुपया मानदेय और 150 रुपया कुंटल गुजरात में दिया जा रहा है, 200 रुपया कुंटल दिल्ली सरकार भी दे रही है और उत्तर प्रदेश सरकार में हमको 90 रुपया कुंटल मिलता है। और हम लोग चाहते हैं कि हम जब पूरे देश में सबसे बढ़िया काम करते हैं, हमारा सबसे बढ़िया वितरण पूरे देश में है, हम नंबर एक पे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार प्रशस्ति पत्र भी पाई हम लोग वितरण के बदौलत और इतना बढ़िया वितरण है, पूरे हिंदुस्तान में हम नंबर एक पोजीशन पे हैं, हमारा कमीशन सबसे कम है, हम भी कमीशन नंबर एक पे चाहते हैं, मेहनत जब नंबर एक पे करते हैं तो कमीशन भी नंबर एक पे चाहते हैं। आज हमारे 75 जिले से हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं, पूरा आप देख रहे हैं पूरा खचाखच भरा हुआ है, अंदर से बाहर भरा हुआ है, बाहर भी खड़े हुए हैं और पूरी तरह हम लोग सिर्फ पदाधिकारी आए हैं और सरकार के साथ रहना चाहते हैं और सरकार से अपनी मांग करते हैं हमारा कमीशन 200 रुपया, क्योंकि हम सरकार के लिए हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। योगी मोदी जी का राशन, योगी जी के शासन के बदौलत सरकार आई है, तो हम चाहते हैं जैसे अन्य प्रदेशों में कमीशन है, जैसे उस पार चले जाते हैं दिल्ली वाला बांट के 200 रुपया ले लेता है, इस पार चले जाते हैं यूपी में हम 90 पैसे पाते हैं, तो हमारा कमीशन विसंगतियां दूर की जाए, पूरे देश में अगर वितरण हमारा नंबर एक पे है तो कमीशन भी नंबर एक पे होना चाहिए। नहीं मिलती मांगे पूरी होती है, इसका आंदोलन हम 6 तारीख को हमारी दिल्ली में राष्ट्रीय कमेटी की बैठक है, हम लोग पूरा परिणाम राष्ट्रीय कमेटी में रखेंगे, फिर जैसा उधर से निर्णय होगा हम लोग करेंगे। केंद्र में उत्तर प्रदेश में दोनों सरकारें बीजेपी की, उसके बाद भी जो है आपके साथ केंद्र सरकार के साथ भी बैठक हुई, उन्होंने 90 पैसा दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी इसमें 110 रुपए देना चाहिए, अभी सरकार नहीं दे रही, इसलिए सरकार से हम लोग निवेदन करने आए हैं कि हम लोगों को भी कमीशन 200 रुपए। किसकी कमी महसूस हो रही है आपको? किसी की कमी महसूस नहीं हो रही, हमारी ही कमी मान लीजिए कि हम अपनी बात को ठीक ढंग से भी नहीं पहुंचा पा रहे, तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमको परिणाम अच्छा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम अपनी कमी मानते हैं।